जय गौ माता जय गोपाल। वीडियो में जो नंदी महाराज आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम दवाई पिला रहे हैं, इसकी उम्र करीबन 2 साल होगी। इसकी सूचना हमें मुकेश जी द्वारा गांव जावता से प्राप्त हुई। उन्होंने हमें बताया कि इसका पेट फूला हुआ है और यह रोड से अचानक चलते चलते ही रोड के ऊपर गिर गया था। जब हमने जाकर देखा तो इसका पेट फूला हुआ था। हमने तुरंत किसी पशु चिकित्सक से बातचीत की और उनकी सलाह अनुसार एक पिलाने वाली दवाई लेकर आई, जिसका नाम इम्पासेप था। हमने तुरंत प्राथमिक उपचार के तौर पर वो दवाई इसे छोटे नंदी महाराज को पिला दी। इसके बाद पशु चिकित्सक खुद आए और उन्होंने कुछ इंजेक्शन लगाए, साथ ही इसके पेट का आफरा भी निकाला। आफरे के दौरान इनके पेट से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि इनके पास बैठना भी मुश्किल हो रहा था। उपचार के करीबन 4 से 5 घंटे बाद इस नंदी महाराज ने दम तोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने विषाक्त पदार्थ ज़्यादा खा लिया था। हमने तुरंत मुकेश जी की सहायता से ट्रैक्टर किया और ट्रैक्टर में डाल के इस नंदी महाराज का अंतिम संस्कार किया। हमसे जैसा पॉसिबल हो सका हमने इसका हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बीमार पशु दिखाई दे तो आप तुरंत कम से कम एक बार किसी भी पशु चिकित्सक के उसका उपचार तो एक बार करवा ही दें। या फिर अगर आप जयपुर सिक्कर हाईवे के आसपास हैं तो आप हमारी टीम को भी सूचना दे सकते हैं। आप हमारे से जुड़ने के लिए कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप कहां से हो और हमसे आपको क्या हेल्प चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही गौ सेवा करते रहें। धन्यवाद।